हेलो चिल्ड्रेन ऑफ केजी क्लास, आई एम रेखा राउत की आपकी हिंदी की टीचर। आज हम पढ़ेंगे री की मात्रा। री की मात्रा की क्या साउंड होती है इसकी और उससे बनने वाले शब्द। पहला है जैसे चित्र में नृप, मृग, वृक्ष, ग्रह, वृषभ, कृषक। अब इन्हीं री से बनने वाले तीन अक्षर के शब्द, चार अक्षर वाले शब्द, जैसे ऋषि, कृति, अमृत, कृपा। जब री की मात्रा क पे लगेगी तो क्र बन जाएगा, म पर लगेगी तो म्र बन जाएगा, और ग पे लगेगी तो ग्र बन जाएगा। इसी तरीके से जिस भी अक्षर पर री की मात्रा लगती है उसका फोनिक साउंड चेंज हो जाता है। तो जैसे मृ, णाल, मृणाल, घृणा, ऋचा, मात्र, पितृ, कृषि, ऐसे चार अक्षर वाले शब्द। मातृभूमि, वृंदावन, सहृदय, अमृतसर, इस तरीके से इसका फोनिक साउंड होता है। और ये भी पढ़ो और समझो। नृप, ये इनकी मीनिंग्स दे रखे हैं। जैसे नृप, नृप मीन्स होता है राजा। ऋण, ऋण मीन्स कर्जा या उधार। पृथक, पृथक माने अलग। वृथा, बेकार। मृदा, मिट्टी। मृग्या, शिकार। मृणाल, कमल। घृणा मीन्स नफरत। मृदुल, मीठा और मनोहर। अब इन्हीं शब्दों से बनने वाले वाक्य, जैसे ब पर लगेगा तो क्या बन गया, ब्र। ब्रजेश, एक। का पे लग गई री की मात्रा, क्र। कृषक है, वह कृपण है, उसके पास दो वृषभ हैं। यह ऋषि का आश्रम है। ऋचा, जा, ऋषि से उपदेश ले। घृणा, घा पे लग जाएगी री की मात्रा, घृ। घृणा मत कर, सहृदय बन, कृपा कर। इस तरीके से हमने इन वाक्यों को पढ़ा। अब कुछ चित्र हैं जिन चित्रों में हमें री की मात्रा लगानी है। इससे पहला वाला चित्र क्या है, मणाल लिखा है, और अब इसमें हम जब री की मात्रा लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा मृणाल। मृणाल मीन्स होता है कमल। अब जैसे ये सेकंड है, कृपा, कपाण लिखा है, कपाण, कपाण नहीं होता है, क्या शब्द होता है, कृपाण। तो कृपाण लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, री की मात्रा लगानी पड़ेगी। कहाँ पे, क पे, तब हमारा शब्द बनेगा कृपाण। ऐसे ही मदा लिखा है, और मृदा बनाने के लिए हमें री की मात्रा म पे लगानी पड़ेगी। जब हम लगाएंगे री की मात्रा तब हमारा शब्द बनेगा मृदा। सेकंड इज, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ। जैसे कि हम पीछे और मात्राओं में बनाते रहे हैं, क्या है, ब और ण, बीच में री की मात्रा भी है, दो प्लस के बीच में दे रखी है ना, तो ये री की मात्रा किस पे बोल रही है, ब पे। तो क्या शब्द बन जाएगा, ब्रण। दूसरे में घ पे बोल रही है तो घृणा। थर्ड में मृग्या, मृतक, कृपालु, वृषभ। इस तरीके से हमें इन शब्दों को जोड़ कर लिखना है, जोड़ के लिखना है। अब है उचित स्थान पर
री की मात्रा लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि री की मात्रा के साउंड कहाँ पर सही बैठती है। अब है कति, अब प पे तो छोटी की मात्रा लगी हुई है तो निश्चित रूप से क पे लगेगी कृति। सेकंड इज कृपा। थर्ड इज ब पे लगेगी तो क्या बन जाएगा वृक्ष। फोर्थ वृषभ। फिफ्थ ब्रजेश। सिक्स श्रृंगार। सेवेंथ मृग शिरा। एट अमृतसर। नाइन वृंदावन। टेन मृदुल। इलेवन तृतीय। अब देखिए तृतीय में एक अंतर आ गया, तो पे बीच वाले तो पे बड़ी ई की मात्रा लगी है लेकिन और छोटे आगे वाले तो पे कुछ नहीं लगा है। तृतीय तो हमारी मात्रा कहाँ बोल रही है, पहले वाले तो पे। फिर क्या है मात्र। अब मात्र में क्या है, माँ पे आका डंडा लगा हुआ है लेकिन तो पे कुछ नहीं लगा है। जब हम तो पे लगाएंगे तब ये बनेगा हमारा मात्र। तो आज हमने इन चीज़ों को पढ़ा, जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में करना होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।